गाइस वेलकम टू प्रोफेसर एक्सप्लोरर एंड आज मैं जा रहा हूँ जोशीमठ। कल ही मैं देहरादून से गोपेश्वर आया था और आज सुबह ही मैं निकल गया हूँ यहाँ से जोशीमठ के लिए, ज्योतिर्मठ के लिए। एंड जो भी ट्रेजिडी वहाँ पर हो रही है, भूस्खलन और ज़मीनें फट रही हैं और लगभग 43 फैमिलीज जो हैं घर छोड़ करके, मतलब घर उनका वो हो गया है बिल्कुल, तो वो सब चीज़ें एक बारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं खुद जोशीमठ में रहा करता था पहले, आई कम्प्लीटेड माई स्टडी ओवर देयर। एंड आज मैं जा रहा हूँ जोशीमठ, कल ही मैं था। इनको ही कुछ कर नहीं रहा इन लोगों के लिए, देखिए कितना बड़ा होटल है दोस्तों। ये नीचे जो हमारा जेपी कंपनी आता है अभी हम वहाँ पे, उसके बाद पानी आ रहा है, रोड पूरी धस गई है। और ये देखिए दोस्तों कितना पानी डायरेक्शन में आता है एकदम सीधे। तो ये वाला अगर जैसे कि न्यूज 18 की टीम यहाँ पे कह रही है कि दिस मस्ट बी द, तो इस चीज को बहुत ही पानी का कलर ही अलग है, बिल्कुल इतना गंदा ये पानी निकल रहा है। लोगों ने कहा और क्या डिसीजन लिया, मतलब जो हाई लेवल की सच में, जबकि उनको आना चाहिए था। लोग बहुत आराम से उनका जानता है, ऐसा नहीं कि किसी को दिक्कत। टूरिस्ट जितने भी आए उनको फ्री में खाना, किसी वॉयलेंट होता है यहाँ पे, 1% वॉयलेंट नहीं था। उनका जिनका परेशानी है आप जाके देखोगे कि जहाँ इनकी व्यवस्था गरीबी है, उनके सामने नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा, उनसे उनके डर गए क्या, उनसे उन्नी चाहिए थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वॉयलेंट थोड़ी थे, अब वो कुछ उन्होंने लिया होगा, इसलिए है कि उन्होंने दिया, उन्होंने तो अपना ग्यारह वालों ने, एनएच वालों ने ही हटाए हैं। तभी ये जोशीमठ की, जब इनको पता है, हमें पता है कि जोशीमठ ढेर रॉक थोड़ी ना होता है, कई मिट्टी भी होती है, ये बड़े एक्वीफर होता है जो कि थरो जो टीबीएम हुई। हाँ। क्योंकि मिट्टी में तो टीबीएम ऐसे भी काम ऑब्जर्वेशन में कुछ हो रहा हो अभी, लेकिन ऐसा कहते हैं तो मेरे परदादा कहते थे कि यहाँ भी एक एक्वीफर टूट गया, तो वैसे ही टूट रहा है सर। हाँ, वो वैसा ही कुछ हो रहा, हर एक मैप का पैसा गया और एनटीपीसी जितना कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना कर दिया, पैसा थोड़ी ना, घर तो सब जगह बनते हैं, इतना लोड नहीं है जिन्हें हम लोगों ने ही दिया एक तरह से। नहीं, आने क्या नहीं दिया, देखिए सर उत्तराखंड के लोग वैसे ही कहते हैं, भोले हैं तो इसे जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि दिया है कि इसकी जो एज है 2 साल है, पालिका में बैठ करके और मीटिंग करके चले गए हैं। जो जोशीमठ है वो रिस्क में है, देखिए सामने भी पूरा देखने, मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ पे, वापस जा रहा हूँ गोपेश। जोशीमठ को अलविदा कर रहे हैं आज के दिन, अभी मतलब काफी सही सा वेदर हो रखा है, ठंड उतनी है नहीं, धूप लगी हुई थी आज तो सही लग रहा है। कुछ देर में हम जोशीमठ में होंगे ग्राउंड जीरो पे, तो बने रहे आप मेरे साथ। अरे भाई ये देवभूमि है एकदम सामने, पालदार वो है मेरा घर सामने, और जो सबसे ऊपर जो 2 घर दिखाई दे रहे हैं वो जो घर है वो मेरा घर है। और वी आर ऑन द वे टू जोशीमठ नगर परिषद, जोशीमठ एंड ज्योतिर्मठ वेलकम्स यू एंड वी गोना सी कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये हमारा जोगी धारा, सो ब्यूटीफुल। कुछ लोग ऊपर गए हुए हैं, अभी पानी नहीं है आजकल ठंड में, बट यूजली पानी काफ़ी होता है, तो ये होता है जोगी धारा। कुछ ही देर में मैं पहुँचने वाला हूँ जोशीमठ, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। ये व्यू है, वाओ इट्स सो अमेजिंग। और इसी के नीचे जो जेपी कंपनी है वो है, उनका प्रोजेक्ट काफ़ी सालों पहले सक्सेसफुल हो चुका है। और इसके अलावा एनटीपीसी का तपोवन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर पुलिस फोर्स काफ़ी लगी हुई है। अभी तक मुझे सच जो फुटेज अभी तक मिल रही थी, मतलब सोशल मीडिया पे, वैसा कुछ मिला नहीं है, तो अभी आगे देखता हूँ। मतलब सीएम आज आने वाले थे और एसडीआरएफ की टीम, मतलब चारों तरफ लगी हुई है, मतलब पर लगभग 500 घरों में दोस्तों दरारें आ चुकी हैं, पूरे 500 घरों में जो है दरारें आ चुकी हैं। और लगभग 47 फैमिलीज ने जो है अपने घर जो है ना खाली कर दिए हैं। जीआईएस की टीम आई थी यहाँ पर और 5 तारीख को भी आई थी शायद, तो जीआईएस टीम को पहले दिन कुछ भी नहीं मिला था। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो होटल है, होटल माउंटेन व्यू, पूरा ही धस गया है, पूरा होटल जो है खाली हो गया, पूरा होटल का फर्नीचर खाली किया जा रहा है। ये देखिए रोड पे कुछ ऐसा हाल है, रोड धस रही है पूरी यहाँ पे, और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले आ रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा इन लोगों के लिए। देखिए कितना बड़ा होटल है दोस्तों, ये पूरा जो है होटल पूरा जा रहा है, तो उस लीड में पूरा नीचे जो हमारा जेपी कंपनी आता है अभी हम वहाँ भी जाने वाले हैं, तो पूरा जा रहा है। उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा बना लिया है, एनडीटीवी, ईटीवी और सभी लोग मतलब आए हुए हैं, चेयरमैन, डीसी,
DCB बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन मतलब जो मेन रीज़न है पता नहीं चल पा रहा है कि किस वजह से इतना बड़ा वो हो रहा है, ट्रेजिडी हो रही है। जो पौराणिक शहर है, शंकराचार्य जी ने जिस शहर को बसाया है, उस शहर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों मार्केट में जो है ना, चीज़ें नॉर्मल से दिख रही हैं मार्केट में, मतलब ऐसा कुछ है हो नहीं रहा है। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ मारवाड़ी की तरफ और वहाँ जाके मैं देखूँगा। जो मेन फुटेज, फर्स्ट फुटेज जो मिले मुझे थी वो JP से मिली थी। JP का जो कैंप है वहाँ से मिली थी, एक बहुत ही सुंदर सा कैंप जो कि आज मतलब बहुत बुरी कंडीशन में है। वो लगभग 50% खाली करवा दिया है और पूरा टूट गया है और दरारें और पानी जो निकल रहा है वहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है। का पेट्रोल पम्प यहाँ से मारवाड़ी को निकलते हैं आगे, और चुनार वगैरह जो सारे छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पर नीचे, वो सब यहीं पर हैं। और इस साइड तो मतलब काफ़ी पहले से मैंने नोटिस किया है, जब मैं स्कूल में रहता था यहाँ पे तो स्कूल आता था नीचे से पीछे, तो यहाँ पर जो है ये मैंने नोटिस करा है पहले से कि यहाँ पर रिसाव हो रहा था, मतलब ज़मीन धस रही थी, रोड इवन काफ़ी धस रही थी। देखिए यहाँ पर पहले से धस रहा था ये वाला, लेकिन इसमें अभी कुछ हो नहीं रहा है। मेजर जो इम्पैक्ट है वो जो JP कंपनी वाली लाइन है वहाँ पर हो रहा है, तो वहीं पर हम जा रहे हैं अभी। ये सब तो ऐसे ही धस रहा था बहुत पहले से। पीछे आर्मी कैंप था तो कैमरा मैंने बंद कर दिया था, आगे भी अभी आर्मी कैंप आएगा। लेकिन उस तरफ से जो होटल माउंटेन व्यू वाला है ना, वो इलाका पूरा फट रहा है। अब किस वजह से फट रहा है उस चीज़ के लिए अभी हम कुछ लोगों से बात करने वाले हैं, और उसके पीछे थोड़ी सी एक रिसर्च थोड़ी सी करने वाले हैं कि लोग क्या कह रहे हैं उस बारे में, मतलब क्यों हो रहा है ये सब ऐसा, है ना। एक सुंदर सा शहर है और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था पर हो रहा है। यहाँ पर से ना अब जो है ना JP का जो है कैंपस स्टार्ट होगा, तो हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत ही सुंदर लगता था यहाँ पर आकर के ना, मतलब जैसे ये वाला इलाका आप पार करते हो तो इतना सुंदर सा कैंपस था JP का। देखिए दोस्तों ये दरारें तो बहुत पहले से पड़ रही थी ये वाली, लेकिन अभी ये दरारें बढ़ रही हैं, इस तरफ उतना नहीं है, लेकिन आगे आप देखोगे मेजर जो चीज़ें हैं कहाँ पर हुई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा कैंपस है JP का, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी वैसी हो गई हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। देखिए बड़े बड़े रिपोर्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, ये भारत 24 से आए हुए हैं रिपोर्टर हमारे, और मेजर जो इशू है इस साइड ही हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और NDRF की टीम लगी हुई है, पुलिस वाले खड़े हैं। तो ये देखिए पूरा धस गया है दोस्तों यहाँ से, और पुलिस वाले भी हैं। ये पूरा ऊपर टूट चुका है, पूरा टूटा हुआ है, देखिए ये पूरा धस रहा है। यहाँ पर मिट्टी डलाई गई थी और ये पूरा नीचे, मतलब ये हमारा यहाँ पर JP का वो हुआ करता था कैंपस, यहाँ पर कैंटीन वगैरह, और ये पानी भी आ रहा है दोस्तों इनसे, जो भी फट गया है तो उसके बाद पानी आ रहा है, रोड पूरी धस गई है। और ये देखिए दोस्तों कितना पानी आ रहा है इससे। तो इस तरफ कुछ इम्पैक्ट नहीं है, बट बीच में जो वाली लाइन है जहाँ पर होटल माउंटेन व्यू और ये JP वाला जो व्यू है वो उसी में आता है, तो पूरा धस रहा है। फिर भी देखो दोस्तों ये रोड जो है ना ऐसे कुछ धसी हुई है पूरा, यहाँ पर अभी फिलिंग चल रही है तो ये उसी की डायरेक्शन में आता है एकदम सीधे, तो ये वाला पूरा जो है धसा हुआ है एकदम, मतलब लगभग जो है ये 1 मीटर नीचे धसी हुई है। यहाँ से नीचे भी अभी हम जाएंगे तो नीचे भी देखते हैं। देखो यहाँ पर भी ये धस रही है ज़मीन नीचे, और काफ़ी हद तक जो है जा चुकी है। तो एक और जगह ये भी है नीचे को वेयर हाउस है, और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों दरारें पड़ी हुई हैं पूरी, ये पूरा जा रहा है नीचे तक, पूरा पहाड़ का पहाड़ फट रहा है। और ये तो अभी नॉर्मल विंटर सीजन है दोस्तों, ये मतलब बरसात में तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, मतलब अब ये मतलब कैसे पता चलेगा। और ये जो पानी आ रहा है ना दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो गंदा सा पानी, ये पानी सारा उसी से निकल रहा आ रहा है गाइस। तो ये है विष्णु प्रयाग का ब्रिज, तो यहाँ तक मतलब ऊपर जोशीमठ से पूरे 10 किलोमीटर नीचे तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। भले ही यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, लेकिन चट्टाने भी असमर्थ हैं इस आपदा को समझने में और इस आपदा की जो क्षति है उसको रोकने में।
गाइस बिग सेटबैक फॉर इंडिया एज वेल, बिकॉज अगर जैसे कि न्यूज 18 की टीम यहाँ पे कह रही है कि दिस मस्ट बी द यू नो डिजास्टर विच विल यू नो इम्पैक्ट दिस ब्रिज इटसेल्फ, जो ये ब्रिज है और ये ब्रिज जो है इंडो चाइना बॉर्डर को जो है कनेक्ट करता है, आर्मी का जो बेस है सब चीज को यहीं से कनेक्ट करता है, तो इस ब्रिज पे भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है दोस्तों। और सामने जो देखिए ना आप, सामने जो पानी आ रहा है वो इन्हीं दरारों से निकल के आ रहा है, जो गंदा सा पानी आ रहा है और सारा इकट्ठा होकर यहाँ से जो है ना, यहाँ से नीचे अपनी विष्णुप्रयाग जो है वहाँ पर जा रहा है, तो ये मेजर सेटबैक हो सकता है एक और, तो इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए और वही चीज़ यहाँ पर ये लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं। नेटवर्क 18 की टीम यहाँ पर आई हुई है और ये जो ब्रिज है ये जो हमारा माणा पास है उसको कनेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं जो ये आपदा आ रही है इसका इम्पैक्ट इस ब्रिज पे भी पड़ सकता है और हमारे जो देश की जो आर्मी है उसको ये कनेक्ट करता है ब्रिज, तो उस चीज़ से हमारा जो कनेक्शन है बिल्कुल ही ब्रेक हो जाएगा अगर इस ब्रिज पर कुछ भी इम्पैक्ट आता है। और जो दरारें पड़ी हैं दोस्तों, वो दरारों में जो पानी निकल रहा है ना वो यही पानी है जो सामने आप देख सकते हो मेरे, ये पानी वहीं से निकल रहा है। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ वापस और कुछ एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखाने वाला हूँ। दरारें जो पड़ी है ये पानी उन्हीं दरारों से निकल के आ रहा है, ये सारा पानी उन्हीं दरारों से आ रहा है और इस पानी का कलर ही अलग है, बिल्कुल इतना गंदा ये पानी निकल रहा है। तो अनुमान ये लगा जा रहा है कि ये जो टर्नल है TSGC वाली, उस टर्नल से ये निकल रहा है। देखिए दोस्तों कितना खतरनाक ये मंजर है, मतलब पूरी सड़क ही गायब हो रही है, पूरी धरती जो है वो धरती में समा रही है दोस्तों। बड़ी और ऊपर का जोशीमठ कवर कर लिया है और सिंगदार पे भी मुझे थोड़ा देखना है कि क्या हो रहा है, और उसके बाद जो है कुछ खाएंगे, भूख लगी है, सुबह तो कुछ खाया नहीं है, बट यहाँ पर डर स्वयं मुझे भी डर लग रहा है, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मतलब है ना, तो डर तो लगता है यार किसी भी क्षण जब कुछ हो सकता है आपके साथ। घर की तरफ आगे बढ़ते हैं, सिंगधार से ऊपर जाएंगे। सिंगधार यहाँ पर भी रोड पे मुझे कुछ कुछ दरारें दिखी हैं, हालांकि इस तरफ जो है काफ़ी सेफ है, तो आशा करता हूँ कि सभी लोग सेफ ही रहेंगे आगे भी। यहाँ पर भगवान नरसिंह मंदिर का जो टेम्पल है वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, 6 महीने भगवान बद्रीनाथ जी स्वयं यहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद जो है 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में रहते हैं। तो ये सारे तीर्थ स्थल हैं और वहाँ पर जो है हाइड्रो में भी और ये विकास की वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पर आशा करता हूँ कि ये चीज़ आगे ना बढ़े और यहीं पर ये आपदा ख़त्म हो। तो पूरी दरार पड़ रखी है, एक दो नहीं काफ़ी सारी। ये शंकराचार्य स्वामी जो स्कूल है उसके जस्ट बगल में, और यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी दरारें दिख रही हैं मुझे, और आगे भी मैं देखता हूँ अभी। और जो माउंटेन व्यू होटल था इसी के जस्ट ऊपर था आगे जो मैंने बताया था, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये भी पूरा फट चुका है, मतलब यहाँ पर लोगों के घर हैं और ये पूरा फट चुका है। देखिए सड़क के किनारे दरार ही दरार दिख रही है मुझे चारों तरफ, और यहाँ पर भी थोड़ा सा धसा हुआ है लेकिन इट सीम्स लाइक ये पुराना है, और यहाँ पर भी लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये देखिए इतनी बड़ी जो ये दरार है, बाप रे इतनी बड़ी जो दरार दिख रही है, पूरा धसा हुआ है। तो यार ये मतलब बहुत ही बड़ा संकट मैं कहूँगा। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ी ये दरार है, इतना बड़ा लोगों का घर है, पूरा मोहल्ला है, पूरा शहर है, और ये एक जगह पे नहीं है। देखिए ये हमारे धर्मान सिंह नैथवाल जी हैं, उनके घर पे भी ये दरारें दिख रही हैं दोस्तों, देखिए कैसी ये दरारें हैं। तो ये दरारें उनके घर पे भी हैं। हम ज्योतिर्मठ भी चल लेते हैं, और ज्योतिर्मठ में हमारा जो कल्प वृक्ष है इतने सालों पुराना, उसके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जब 4000 साल पुराना जो कल्प वृक्ष है वो है, लेकिन अभी जो ये पूरा शहर है संकट में है।
यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है और यहीं पर स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या करी थी। और इस एक छोटे से टाउन का जो है वो क्या था, बसाया था उन्होंने। तो यहाँ पर से आदिगुरु शंकराचार्य जी और हमारा जो है कल्प वृक्ष, ये रहा जो कल्प वृक्ष है जोशीमठ का, ये है लगभग लगभग 4000 साल पुराना ये कल्प वृक्ष है। और दोस्तों ये सूखा नहीं है, आजकल पत्ते झड़े हुए हैं, पतझड़ का मौसम है, सर्दियों का मौसम है। पहाड़ को समाप्त करने वाले जो असली दोषी हैं। आए गए हैं यहाँ पर जोशीमठ गांधी फील्ड में सरकार द्वारा राशन, और ये फोटो शूट तो चलता रहता है, मतलब लोग यही करते हैं, आपदा आती है और लोग फोटो शूट करते हैं। का सामान तो आता है लेकिन जरूरतमंदों तक बहुत कम ही पहुंच पाता है, तो गाड़ियों से लेके जा रहे हैं लेकिन गाँव में देने जाएंगे या नहीं ये नहीं कह सकते। एक दो साल में पूरा धस जाएगा, 2 साल तक बस। तो वो GIS वाले आए थे, उन्होंने बताइए हाँ हाँ वो जो लोग आए हुए थे। तो फिर सरकार क्या कर रही है, देखते हैं अब क्या होता है, सरकार ने क्या कहना आज जो भी निर्णय लेगी। फूड एंड मोर जोशीमठ मेन रोड पे था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। लस्सी क्या खाने को मिलता है यहाँ पे। आप आए थे यहाँ पर जिस टाइम पे CM आए हुए थे, तो क्या क्या उन लोगों ने कहा और क्या डिसीजन लिया? मतलब डिसीजन तो कहाँ लिया, देखो CM साहब तो आए नहीं, जो पीड़ित लोग हैं वो तहसील में बैठे हुए थे। ठीक है, CM साहब आए सीधे नगर पालिका में चले गए, जो हाई लेवल की मीटिंग थी, जिन लोगों का कुछ मतलब जिनका कुछ गया नहीं है उन लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग करी। बिल्कुल, उनसे तो मिले ही नहीं वो जो पीड़ित लोग हैं, जिनके सच में घरों में दरारें हैं, जो बेघर हो चुके हैं, जो बेघर हो चुके हैं, जो सही में रोड पे आ रखे हैं बैठे हुए हैं, उनसे तो मिले नहीं CM साहब। CM साहब तो बस अपना जो भी उन्होंने करना था वो, जबकि उनको आना चाहिए था। लोग बहुत आराम से जो धरना दे रहे थे, कुछ वायलेंट नहीं हुआ, परसों भी चक्का जाम था, ऐसा नहीं कि किसी को दिक्कत। टूरिस्ट जितने भी आए उनको फ्री में खाना खिलाया गया यहाँ पे मठ में। राइट, सब पूरे जोशीमठ ने व्यवस्था करी उनकी, सारे टूरिस्ट की फ्री में। चक्का जाम कहीं भी आप देखेंगे हमेशा वायलेंट होता है, यहाँ पे 1% वायलेंट नहीं था। हाँ, हम पहाड़ी लोग होते ही शांत लोग होते हैं, पर जो चीज़ हो रही है मतलब इतना बड़ा ट्रेजिडी, और मतलब कुछ सालों पहले भी बताया गया था, मतलब 45 years पहले मतलब कुछ बताया गया था, अभी 20 साल की एज। जिनका परेशानी है आप जाके देखोगे, जहाँ इनकी व्यवस्था करी हुई है, 10-10, 15-15 लोग जो है ना एक ही कमरे में रह रहे हैं, उसी कमरे में सिलेंडर है। अब हम पे तो ऑप्शन है, हम पे तो ऑप्शन है, लोगों कई लोगों पे ऑप्शन ही नहीं है। लोगों के पास जब घर नहीं है तो घर के अलावा कुछ नहीं है लोगों के पास, पूरी मतलब जीवन की जो पूंजी है पूरी उन्होंने घर पे लगा रखी है, और घर ही उनका टूट गया है तो वो कहाँ जाएंगे। अब जो हमारे राज्य के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वही उनके सामने नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा, उनसे उनके डर गए क्या उनसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको कम से कम आना चाहिए था सामने, उनकी बातें सुननी चाहिए थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वॉलेंट थोड़े थे वो, तो बहुत प्यार से उन्होंने बात करी, खाली हमारे 2-3 जो लोग थे वो जा करके मिले, डिसीजन और नेते जो भी थे वो लोग। अब वो कुछ उन्होंने लिया होगा, स्थाई डिसीजन कुछ लिया होगा तो लिया होगा अभी। अच्छा, इसके अलावा GIS की टीम आई थी तो उसका कुछ आउटपुट आया? देखो आउटपुट ये है कि उन्होंने उन्होंने तो अपना मतलब डिक्लेरेशन दे दिया है कि जोशीमठ ने नहीं बचने। ओके, क्योंकि ये ढेर पे आए, सबको पता है ये बात कि वो ढेर पे इकट्ठा है, और बोल्डर्स के सहारे जो है जोशीमठ जो है टिका हुआ है। तो कभी भी ये बोल्डर्स जो है ना, ये बोल्डर्स रोड बनाने वालों ने, BRO वालों ने, NH वालों ने ही हटाए हैं, तभी ये जोशीमठ की बुरी हालत हुई है ना। तो ये NTPC अगर जब NTPC इतनी बड़ी महारत्न है, NTPC तो NTPC को जब इनको पता है, हमें पता है कि जोशीमठ ढेर में है, तो इनको पता नहीं था होगा कि जोशीमठ ढेर में, तो उसमें टनल करवाने की क्या जरूरत थी।
ये बोल रहे कि इन्होंने पत्थरों के बीच में जो है छेद करा, और ये मतलब टनल वहाँ से जा रही है, रॉक्स के बीच में जा रही है। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता, हर पूरे ही पहाड़ में रॉक्स थोड़ी ना होते हैं, कहीं मिट्टी भी होती है। ये बोल रहे एक्वीफर होता है जो कि पानी का जो नहीं, बट टनल बनने से पहले उसकी पूरी मेजरमेंट होती है, जब उसी ग्राउंड तक ले जाया जाता है उसे, जहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर हो, जो टीबीएम हुई, क्योंकि मिट्टी में तो टीबीएम ऐसे भी काम नहीं करती, वैसे भी काम नहीं करती है। और फंस गई इनकी टीबीएम, हाँ इनकी टीबीएम फंसी है, तो मे भी कुछ ऑब्जर्वेशन में कुछ हो रहा हो। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो टीबीएम है वो जोशीमठ से आगे निकल चुकी है, जोशीमठ से आगे निकली, पर छेद तो यह है ही ना। अब जो अब हो सकता है कि कोई एक्वायर उन्होंने पंचर कर दिया हो, जो पानी के स्रोत हैं जो सूख गए हैं। पहले क्या होता है, जहाँ पर इससे हम खड़े हैं, ये गांधीनगर कहते हैं उसको, छावनी बाजार कहते हैं, तो मेरे परदादा कहते थे कि यहाँ भी एक एक्वीफायर है, मतलब एक पानी का स्रोत नीचे है जहाँ हम खड़े हैं, राइट राइट, यहाँ इसके नीचे ना जाने ऐसे कितने स्रोत हो, एक कोई पंचर कर दिया हो उन्होंने, तो अब वो जब जैसे वो जीआईसी बैलून से जब पानी होगा तो सिकुड़ गया, तो वैसे ही सिकुड़ रहा है सारा। हाँ वो ऐसा ही कुछ हो रहा है, मतलब क्योंकि बताया गया है कि जोशीमठ का जो अब सरकार नीचे है पूरा पानी, सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि ये जोशीमठ वालों के है जिन्होंने मकान बनाया, तो मकान उन्होंने अपने उससे थोड़ी बना दिए, वो भी सरकार की परमिशन होती है, मैप्स बनते हैं तब ये होटल्स बने। हाँ, नगर पालिका के पास हर एक मैप का पैसा गया, और एनटीपीसी जितना कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना कर दिया होगा, एनएच जितना कंस्ट्रक्शन थोड़ी ना कर दिया होगा लोगों ने, घर तो सब जगह बनते हैं, इतना लोड नहीं है जितना एनटीपीसी की वजह से, और ये बीआरओ की वजह, मतलब ये जो हाईवे का काम चल रहा है, बाईपास का काम, पर एनटीपीसी को भी तो आने हम लोगों ने ही दिया एक तरह से, नहीं आने क्या नहीं दिया, देखिए सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो इंसान झांसा ही, ये बड़ी कंपनियां झांसा देती है कि आपको जॉब्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी या सब्सिडी में मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, उस समय आ गए लोग, भोले लोग यार, उत्तराखंड के लोग वैसे ही कहते हैं भोले हैं, तो आ गए हम लोग। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच फॉर योर अपडेट। गाइस ये काफ़ी बड़ा सेटबैक है जोशीमठ और इंटायर्ड जो हमारा टूरिस्ट कम्युनिटी है उसके लिए, और जो भी लोग इस धरती से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि जो सर्वे ऑफ इंडिया और जीआईएस वालों ने बोल दिया है कि इसकी जो एज है 2 साल है, एंड 2 साल है तो दैट इज़ नॉट फिक्स एग्जैक्टली 2 ईयर्स, सो काफ़ी चिंतनीय है ये विषय। और हमारे सीएम आए थे और वो मतलब लोगों से तो मिले नहीं, और ना ही उन्होंने उस चीज़ का मुआयना किया जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बस वो पालिका में बैठ करके और मीटिंग करके चले गए हैं, हाई लेवल की मीटिंग। और ये देखिए दोस्तों, ये जो पूरा फट रहा है इलाका, मतलब ये आर्मी का वो है, ये पूरा धस गया है रविग्राम के जाते हुए भी, और चारों तरफ है, ये एक जगह नहीं है, ये हर तरफ से ऐसा ही हो रखा है, तो पूरा जो जोशीमठ है वो रिस्क में है। देखिए सामने भी पूरा दरारें आई हुई हैं, तो चारों तरफ यही माहौल है, चारों तरफ दरारें ही दरारें दिख रही हैं, तो काफ़ी चिंतनीय है। को मैं भी अलविदा कर रहा हूँ आज के लिए, और अभी जो है टीम बैठाई जा रही है, ये हमारे भ्राता श्री मिले हैं हमें, सर प्रणाम, भैया प्रणाम, सर प्रणाम, कहाँ सर? मैं बस इधर ही आया था जोशीमठ के लिए देखने, मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ पे, वापस जा रहा हूँ गोपेश, क्या हो रहा है वही तो मैं बोलूँ, बस जा रहा हूँ वापस, जाता हूँ, डांट पड़ेगी, बता के नहीं आया घर पे, मैं तो ऐसे ही निकल गया, छुट्टी थी आज, ठीक है भाई सर प्रणाम। जैसा कि मैं कह रहा था, इसी के साथ हम भी जोशीमठ को अलविदा कर रहे हैं आज के लिए, और आगे क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है वो देखना होगा, मतलब इतने बुरे हालात हैं पुलिस वाले अंकल भी परेशान है, तो हाँ इवैक्यूएशन के लिए कह दिया है कि खाली करना है जितने जल्दी हो सके, तो वही तैयारियाँ शुरू होंगी, और टीम बैठाने के लिए बोल दिया है, तो बताएंगे कि लगभग 40% का जो जोशीमठ है वो पूरा खाली होगा, और चमोली के लिए बताया है, चमोली या पीपल को टीम है कहीं पर जो है लोगों को वो कराया जाएगा, रिलोकेशन करी जाएगी, तो ये काफ़ी बैड न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि 2 साल इस पौराणिक शहर की एज बता दी है, बताइए मतलब पहुँचते पहुँचते जो है ना अंधेरा हो गया है यहाँ पर, 4:30 मतलब 5:40 हो रहा है, और अभी मैं पहुँचा हूँ लंगसी, और अभी गोपेश्वर का रास्ता भी बाकी है मेरे दोस्तों, और धन्यवाद हमारे साथ है,
किसी बात की चिंता नहीं है। जय भगवान जी, सबको सदगुरु दें। जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही है ना, उनमें से मेडिकल और ये सारी जो है ना इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ, NDRF की गाड़ियाँ जा रही हैं जोश मठ को एवैक्यूएट करने के लिए। गोपेश्वर वापस अपने ठिकाने पे। और जैसा कि मैंने आपको पूरा इस ब्लॉग में बताया कि क्या हालत है जोशीमठ की, और मे बी हम कुछ सालों में या फिर हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो जो है वापस से जोशीमठ को फिर से ना देख पाए, और बहुत बुरा हाल है। तो इवैक्यूएशन के लिए बात हो गई है। तो आई होप यू गाइस, आप सभी लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना, और बेल आइकन भी दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके कि जोशीमठ का क्या हाल है, और रूट कॉज अभी तक पता नहीं चल पाई है कि क्या रूट कॉज है इस ट्रेजिडी की। बट इट्स ऑलमोस्ट द एंड फॉर अस। और अभी ये गाड़ी को पार्क करते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो आज रात ही ये ब्लॉग मैं डालने वाला हूँ, वरना सुबह तो आ ही जाएगा कल ये ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग। तो बने रहिए आप, टिल देन गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग जब भी आप ये ब्लॉग देखें। और अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ।